من اسمه دواء وذكره شفاء بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد

आप खास करेंगे बानिया ने मस्जिद के मरहूमिन अपने मरहूमिन और तमाम शोहदा को शामिल करके एक फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा बिस्मिल्ला सलवातनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आल एक बार और इससे बेहतर अंदाज में आवाज से अक्सलवार कल हमने मजलिस ख़त्म की थी जुंदुब इब्ने जुनादा यानी जनाब अबुज़र गफ़ारी सलाम का जिक्र आज करना था लेकिन कल हमने थोड़ा सा तमीदन आपके सामने बात कर दी थी वहाँ से बात शुरू करेंगे देखिए कहाँ तक पहुँचती बात जनाब अबुज़र गफ़ारी के तारों में कल इतना बताया था आपको कि इस्लाम आने से कबल भी ये एक इनकलाबी इंसान थे एक इनकलाबी इंसान और माशरे की इस तहरीफात को कबूल नहीं करते थे होता है ना बाशर आदमी समझता है चीज़ों को जिसमें शूर होता है वो इन चीजों को समझता है जैसे जनाब बिलाल लाख गुलाम सही हबश गुलाम सही लेकिन शूर था जैसे जनाब यासिर जैसे उनकी अहल्या जनाब सुमैया भी आज जिक्र आएगा उनका जैसे उनके साहबजादे जनाब हमारे यासिर जैसे अरकम ने जैद है ना ये कहते हैं ये वो बादशर लोग थे ऐसा नहीं था कि कोई था नहीं ये थे जब ही दुनिया ने लब्बैक कहा आगे बढ़े बादशर लोग थे। समझते थे कि सरदारी सिस्टम ने सरदारी निज़ाम ने हमें जकड़ रखा है और हमें तवा परस्त बनाया हमें बुत परस्त बना दिया हमें मुशरिक बना दिया इन लोगों ने क्या किया हमें मुशरिक बना दिया आहिस्ता हमें मुशरिक बना दिया क्यों पीछे उनके मफादात हैं ना पीछे उनके फायदे हैं पीछे उनकी दुनिया है पीछे उनकी क्या कहना चाहिए कि चौधराहटे हैं सरदारियां चल रही हैं लोगों पे हुकूमत चल रही है लोगों के वो बड़े बड़े पीर मुर्शिद बन के बैठे हुए हैं तो सब टूट रहा है ना सिस्टम तो जो बाशर होता है वो समझता है ना इन बातों को तो आज भी आप माशरे में देखेंगे कहीं भी किसी भी जगह माशरे दुनिया भर में होता है क्यों कुछ लोग जरूर होते हैं जो समझते हैं बात को शौर रखते हैं कि नहीं ये सब गलत हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए ये गलत हो रहा है नहीं लोगों को उल्लू बना रहे हैं लोगों को बेवूब बना रहे हैं इसके लिए जरूरी होता है लोगों का जाहिल रहना इसके लिए जरूरी होता है लोगों का जाहिल रहना क्योंकि तो अगर वो शौर आएगा पढ़े लिखेंगे तो समझ जाएंगे ना इनकी चालों को माशरे को जाहिल रखा जाए ताकि इनमें शौर पैदा ना हो तो आप अंदाजा लगाइए उस माशरे की जिहालत का मक्के की पूरे हिजाज में सत्रह आदमी लिखना पढ़ना जानते थे कितने आदमी ऐसा नहीं क्या तहरीर नहीं थी यसरब में उससे ज्यादा लिखने पड़े थे हिजाज की सरजमीन में कितने थे टोटल सत्रह आदमी जो लिखना जानते थे इतनी बड़ी आबादी में सत्रह आदमी लिखना जानते तो क्यों सरदार चाहते ही नहीं थे कि ये पढ़े लिखे उन में भी अक्सरियत कहां थी पढ़े लिखों की बनी हाशिम अक्सरियत कहां थी बनी हाशिम जनाब अब्दुल मुतलीफ के बेटे वो पढ़े लिखे थे उन्हें अपने बेटों को लिखाया पढ़ाया अब दूसरी तरफ आ जाइए जनाब खतरा सलाम्ला खानदान सलावादी समझ में आ रही है कितने से लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते उन्हीं में शूर था वो लोग बादशर थे बस ऐसे ही फर्द जनाब अबूर गफ्फारी जो जानते थे कि ये सब इन्हीं जाल फैलाया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इसलिए जाहिर रखा जा रहा है कोई लिखने पढ़ने की तरफ तो नहीं थी और हुजूर ने कितनी तवज्जो दी कि जब उनके कैदी पकड़े हैं सत्तर के करीब थे ना सत्तर बहत्तर जो गिरफ्तार होते उनमें से अलग किया लिखना पढ़ना कितने जानते तो जो लिखने पढ़ने वाले छह सात आदमी थे उनको अलग कर दिया उनकी ड्यूटी अलग आई दस दस को पढ़ाओ तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा मदीने के दस दस बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ हालांकि काफिर थे ना वो बुतपरस थे ना लेकिन लिखने पढ़ने का काम उनसे मिल रहा था ले लो अब ये तो सुन्नत रसूल हो गई ना कि अगर अच्छी चीज काफिर से भी मिलती है तो इल्म के मामले में यहां काफिर से भी लेंगे तो जिहालतें ही लेंगे इल्म नहीं लेंगे वो भी छाट छाट के इनको जिहालते देता है ये सारी जिहालते लेते जाओ टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं देंगे सलावा दे भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर हैं? तो अपने अपने मतलब के लिए लोग सारी बातें निकाल लेते भाई अल्लाह के अभी मैंने मिसाल दी कहेंगे भाई अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया अंग्रेजों के मुश्रकी से तालु हरूर ने भी तो ऐसा भाई मैं मुरीद बता रहा हूं कि कहां पर है कहां पर नहीं है कहा होने चाहिए चीन जाना पड़े जाओ चीन से ले लो इल्म। है ना वलो इल्मा, वलो चाहे तुम्हें तो चीन जाना पड़े जाओ वहां से लेकर आ जाओ और वो सीन चीन ही है भाई वो हमारे यहां भी बड़े बड़े पैदा हो गए उस सीन के भी अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए अरबी में चीन को सीन ही कहते अल्लाह के बंदो और उस वक्त क्योंकि सबसे दूर चीन था यानी मिसाल दी जाती थी ना मिसाल दी जाती थी वही चीन की मिसाल दी जाती वो तो सीन वहां तक चले जाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें काशकर तक चले जाएंगे है ना तो ये वो सीन ही था भाई उसको पता नहीं क्या क्या लोग बना देते हैं हम समझाते हैं तो हमें समझते हैं वो कहते हैं इनका अकीदा सही नहीं है। एक मिनट में फतवा आता है कि अकीदा सही नहीं है खुदा के बंदे बात दलाइल पे होती है तारीखी हकायक पे होती है ऐसे थोड़ी होती है बात कि तुमने कह दिया वो खत्म हो गई बात ऐसे कैसे होगा वलो यानी चीन, 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 यही चीन यहां तक भी जा रहा दूर की वजह से बताया था आइए आगे, आगे बढ़ाए बात जैसे ही आपकी रिसालत का ऐलान होता है अच्छा इससे पहले का अजीब बात है हजूर की रिसालत के ऐलान से तीन साल पहले से अबूदर गफारी ने रातों की इबादत शुरू कर दी थी रातों की इबादत तो इसका मतलब इबादत मौजूद थी ना तहरीफ कर दी गई थी बनी हाशम में तो इबादत करते थे ना जनाब इब्राहिम का दिन तो मौजूद था लोगों ने बदल दिया था यानी कोई जमाना इबादत से खाली यानी उस जमाने में भी दो चार आदमी ऐसे थे जो बेचारे असल दिन पर बाकी थे वो इबादत जनाबर अफारी के लिए तीन साल पहले से आपने शब्बेदारियां शुरू कर दी थी रात रात भर इबादत करते थे अल्लाह की रात, रात रात भर उसका सिला क्या मिला कि जो ही ऐलान हुए ऐसी दौड़े उदूर की खिदमत में तो ये ईमान लाने वाले चौथे या पांचवें आदमी हैं जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए उनमें कौन सा नंबर है इनका चौथा या चौथा या पांचवा नंबर और अल्लाह के रसूल को रिसालत की मुबारकबाद देने वाले पहले शख्स दस्तूर नहीं था तो ये पहले तहनीत भी दी और तबरीक यानी मुबारकबाद पेश की अल्लाह के रसूल को ये मनसब संभालने पर मिलने पर नहीं मिला हुआ तो जब का जब खलकत हुई थी भाई बार बार अर्ज करते हैं कि रसूल जब खल हुआ जब ही रसूल था यह है कि जब ऐलान कर रसूल अब अपनी रिसालत का ऐलान कर दे जनाब ने जूर से अहदोपैमान किया कि जिंदगी में कभी भी हक बात कहते हुए डरूंगा नहीं किसी के भी सामने यह था किसी के सामने भी एक हक बात कहते हुए नहीं डरूंगा ये इनकी पहचान बन गया था हिजरत भी की वापस मदीने वालों के साथ जानिए जो बाकी मुसलमान जब आए हिजरत करके तो अपने कबीले से यह भी निकले बनी गफ्फार से यह भी मदीने पहुंच गए मदीने पहुंचने पहुंच के बाद हर जंग में इन्हीं ने शिरकत की यानी तमाम गजबात में ये शरीक रहे तमाम जितने भी ग़लबात थे उनमें ये जनाब अबूदर अखबारी शरीक और उसी दौर में मशहूर हो गया था इनके बारे में हदीस सबको आज तक याद है कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं करता कि आसमान ने साया नहीं किया अबूदर गफारी से ज्यादा सच्चे शख्स पर हदीस हमारिया भी उनके भी अबूदर अफबारी ज्यादा सच्चे शख्स पर किसी ने साया क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसलिए बताया कि बाद में शक न करना ये जो भी कहेगा सच होगा इससे ज्यादा सच्चे शख्स पर आसमान ने साया ही नहीं किया अब यही हमारी से गिला है शिकवा है प्यार भरा शिकवा है प्यार भरा गिला है मैं क्यों जिक्र नहीं करते आप जनाब गफारी का बताइए ना इतना बड़ा इंकलाबी आदमी इतनी बड़ी इनकलाबी शख्सियत जिसने जमाने जाहिलियत में सरदारी सिस्टम को ललकारा उसके खिलाफ खड़ा हो गया तुम करते हो सब झूठ है यह सब बकवास है यह सब तुमने लोगों को फ्रॉड लोगों के साथ फ्रॉड किया है लोगों को धोखा देने के लिए तुमने जाल फैलाए हुए तरह तरह के ये सारा लड़ते थे जगह जगह उनके मुबाइल से होते थे अबूजर गफ्फारी के जरा अबूजर के बनी गफ्फार से ताल्लुक था इसलिए जर बेटे का नाम था तो इसे अबू जर के कुत मशहूर हो गई थी कहीं और भी नाम लिखे लेकिन असल नाम जो सब जगह लिखा है जुनादा जुंदू बिबन जुनादा अब आइए मसले कहाँ खड़े हुए मैंने अरकान अरबा का जिक्र किया था ना आपके सामने अरकान अरबा में पहला नाम है अबूजर गफ्फारी दूसरा नाम है सलमान फारसी तीसरा नाम है अम्मारे यासे, चौथा नाम है जनाब बिन बिनद कंदी और यहां एक नाम में इतलाफ है बात कहते हैं हुजैफ यमानी बास कहते हैं मकदाद कंदी या हुजैफ यमानी या हमारे यासिर बारह पांचों में हो तो हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि बाद में यह पांच की तादाद बढ़ के बारह हो गई थी कितनी हो गई थी बारह तादाद भी हो गई थी जो असात तो पहले दिन से तमाम वाकयात आपके जहन में हैं पहले दिन से जो फर्द अली के साथ खड़ा था यानी वो तीन चार अफरा उनमें एक कौन है जनाबरे गफ़ारी जिनका बहस मुहिशा और जिन्होंने वहां दलील दी दलील दी कि यह ना करो अक्सरियत या ताकत के बल पर यह मनसब ना लो क्योंकि फिर यह रस्म बन जाएगी जिसके पास ताकत आएगी वो खलीफा बन जाएगा और बनी उमैया बनी अब्बास के जमाने में क्या हुआ जो अफारी ने कहा था वही हुआ ना जिसके पास ताकत आती थी वो बादशाह बनता था जिसके पास ताकत आती थी वो बादशाह बनता था और माशाला माशाल्लाह पूरे आलम में इस्लाम में ये सुन्नत आज तक जारी है ताकत को काबू कर लो बादशाहत खुद ही मिल जाएगी सलावाद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर अब देखिए वो हमारे सामीन आ आगे गुजारिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सा आगे सिमटाइए तो हमें आसानी हो जाती है बात करने में ताकि बाद भेजते हुए आगे आ जाइए एक साहबी है उनका नाम है हजरत माविया इबन सालबिया पूरा नाम मैंने ले दिया इसीलिए हजरत माविया इबन सालबिया वो कहते हैं मरीज हुए एक दफा बधर गफारी वो नहीं आखिरी मरज नहीं बीच में बहुत सख्त मरीज हो गए तो हम अयादत के लिए गए तो मालूम हुआ कि इन्हें वसी बना दिया अपना किसे वसी बनाया अली ने अभी तालिब को वसी बना दिया मैंने उनको वसी बना दिया तो किसी ने एतराज किया कि आपको भाई चाहिए तो यह था कि फलां साहब को आप वसी बनाते अमीर को वसी बनाते जनाब उदर गफारी ने बहुत उमदा जवाब दिया कि मैंने अमीर ही को वसी बनाया है मैंने अमीर ही को अपना मैंने अमीर ही को अपना वसी बनाया है उस वक्त और फिर चलते चलते उससे कहने लगे कि देखो याद रखना आप कभी कभी आरिफान को शेख मजलूम कहते थे शेख बेमाना वो शेख नहीं जो आपके अराइज है शेख कौम के बड़े को कहा जाता है कौम के बड़े को आज भी अरबों में सैयद भी हैं तो उसको शेख कहते हैं शेख सैयद फला फला शेख सैयद फला शेख का मतलब होता है बुजुर्गी की अलामत तो कहते थे इस शेख मजलूम का साथ ना छोड़ना मुझे डर है अबूदरा फारी है। मुझे डर है अगर तुमने इसको खो दिया तो तुम्हें रात और दिन की तमीज मिट जाएगी मौल कायनात के लिए वसीयत करते हैं किस मजलूम का और कभी कहते थे पीर मजलूम कि मजलूम का साथ ना छोड़ना क्योंकि मुझे डर है अगर तुमने इसके दामन को छोड़ दिया तो क्या होगा तुम्हारा हाल? तुम्हें दिन और की तमीज मतलब खत्म हो जाएगी तुम्हें हक और बातिल की तमीज नहीं रहेगी इसका साथ ना छोड़ना इसके साथ रहना नतीजा यह हुआ कि जनाब इनकी बातें जहां लोगों को जमा करते थे कभी सफ़ी स्थीन, नजात की हदीस सुनाते थे कभी अली उमाल कुरान कुरान कुरानलकुरी की हदीस सुनाते थे अली उमाल वल कभी अली की हदीस सुनाते थे कभी कहते थे मुझसे सुनो गजीर खुम में क्या हुआ था कभी गजीर ख़ुम का वाक्य सुनाना शुरू कर देते थे कभी मुबाहले का वाक़ सुनाना शुरू कर देते थे कभी शब हजरत कभी जुलशीरा हर एक के गवाह थे ना सारे वाक़ नतीजा ये हुआ कि तंग आना शुरू हो गए लोग जब तंग आना शुरू है तो अब ये तारीख है भाई मैं तो बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूँ मौलाना साहेबान से मेरी गुजारिश है कि पढ़ दिया करें आप खुद ही बता दिया करें क्या हुआ मैं क्या बताऊं भाई आप बताइए ना जनाब गफारी के साथ क्या क्या हुआ खैर मैं तो बड़ी एहतियात से काम ले रहा हूं इनको शहर बद्र कर दिया गया मदीने से निकाल दिया गया किसे जनाब अबरे साहबी है या नहीं है अजीब अजीब है यह भी तो साहबी है भाई और कितने बुजुर्ग साहबी अबूदर गफ्बारी क्या आप भी कह रहे हैं क्या हजू ने फरमाया अबूधर से ज्यादा सच्चे शख्स पर आसमान ने साया ही नहीं किया आप भी फरमा तो बताइए ना वो साहबी नहीं।, 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 नहीं है उसकी हरमत नहीं है उसकी इज्जत नहीं है उसका इकराम नहीं है उसका एहतराम नहीं है उसका शरफ नहीं है उसकी बुजुर्गी नहीं है साहबी साहब लेकिन नहीं जो पसंदीदा शख्सियात है बस वहीं तक रहो उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है इसलिए हम सबका जिक्र कर रहे हैं रिकॉर्ड हो जाए कि देखो हमसे ज्यादा साहबियों के तो नाम तुम्हें नहीं पता ना उनके हालात जानते हम जो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे खत्म ही नहीं होंगे वहां मैंने कहा ना साढ़े नौ सौ तो मेरे पास है ना वैसे तो ग्यारह सौ दस की पूरी लिस्ट मौजूद है फेहरिस्त मौजूद है लेकिन वो पहली में बता चुका फर्क क्या है तो साढ़े नौ सौ नाम तो मेरे पास मौजूद है भाई और किसी ने साढ़े चार सौ लिखे हमारे आलिम ने किसी ने पांच सौ के नाम लिखे निकले साढ़े नौ सौ नाम मैंने निकाले साहबा के तो हमारा तो भैया कई साल इसी में गुजर जाएंगे साहबा का जिक्र करते करते परेशानी हो जाएगी आप लोगों को मेरे भाई खत्म कराओ इनसे साहबा का जिक्र बंद कराओ इनसे सलवाद मेरी है मोहम्मद पर मैं अपने मैं अपने जिक्र पढ़ने वालों से भी बड़ों से तो नहीं गुजारिश कर सकता लेकिन जो नौजवान हैं नए पढ़ने वाले उसमें करता गुजार मुताला करें बेटा आप लोग करें सिर्फ ये एक टॉपिक ले लें तो आप कई साल तक का मैटर आपके पास आ जाता है सिर्फ साहब रसूल, रसूल। में असहा आप और आप देखिए कि हर सहाबी जिनका नाम आपको देंगे जिनके लिस्टें आपको देंगे जिस सहाबी का जिक्र करेंगे पीछे अहले बैत तंग आ जाएंगे ये कि क्या मुसीबत होगी हमने कौन सा जिक्र छिड़ दिया हमारे पास तो इतने नाम भी नहीं है जितने ही सुना रहे हैं हमको नहीं ना तो चंद मखसूस शख्सियतों को बचाना है है ना चंद मखसूस शख्सियतों को बचाना मखसूद है साहबा से मोहब्बत थोड़ी है साहब तो हम बता रहे हैं ना क्या किया गया तब ईद कर दिया गया पहले सरजनिश की जाती थी लड़ाई दंगे धमकी दी गई कत्ल करने की इनको जनाब जनाबल गफारी को वे ऐलान भी किया कि मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं जैसे आज होता है कि जनाब कतल की क्या मिलना शुरू हो गए फिर के चल जाओ शाम भेज दो कहां भेज दो शाम शाम गए तो वो अपने पास नहीं रखना चाहता था पहले उसने लालच देना चाहिए तीन सौ दिनार वीनार भेजे वापस कर ले जा मुझे जरूरत नहीं इन चीजों की अब ये मस्जिद में जाते थे खड़े हो जाते थे मुझे पहचानते हो लोग कहते थे नहीं हम तो नहीं जानते मैं अब उदर गफारी हूं। कहते थे हाँ 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 नाम सुना है नाम सुना आप वही है ना हाँ मैं वही हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मुझसे ज्यादा सच्चे शख्स पर किसी ने साया आसमान ने साया मुझसे ज्यादा सच्चे शख्स पर आसमान ने साया नहीं किया वहां शुरू हो जाते थे वो परेशान होते क्या हो गया उसने भेज दिया पहाड़ी इलाके में देखिए उस वक्त का जो शाम है ना समझ लीजिए ये आज वाला शाम नहीं है उस वक्त का शाम बहुत बड़ी स्टेट है हमास फलस्तीन या आज का लुबनान ये सब शामात कहलाते थे सब शाम कहलाते सारा शाम इसने क्या किया जबल आमिल की पहाड़ियों में भेज दिया जबल आमिल आज का जुनूबी जुनूबी लुबनान आज का जुनूबी लबनान इसको ये आज भी जबल आमिल कहलाता है बड़े बड़े उलम हमारे शहीद वल शहीद सानी दोनों जबल आमिल के एक है अलिफ से आमुल वो ईरान में आमुल है कहा है वो वो माजंदरान में आमुल जिसके है आयतुल्ला जवाद आमली आयतुल्ला हसनजादा आमली और एक है शेख आमली आन से ये जब जहाँ से आएगा जैसे अल्लामा हुर्रे आमिली जिनका ये एन से जहां से आए तो समझ लीजिए जबल आमिल तो आमिल और आमिल में मखरज का फर्क है हमजा का मखरज है और आयन का मखरज है सलवाज भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर ये हैं तो छोटी छोटी सी बातें लेकिन आपके काम की है कि जब कभी आप नाम पढ़ेंगे आप है, है, ये क्या आमिल है कहीं अलिफ से लिखा हुआ है कहीं एन से लिखा है तो दोनों सही लिखे हुए आमुल से है और ये जबल है जुनूबी लबना यह आप पहाड़ी इलाकों में भेज दिया अजियत देने के लिए कहीं दूर करो वहां पर जाकर वहां अली की मोहब्बत का चश्मे जारी कर दिए अब वो जनाब पहाड़ों से लोग उतर उतर के आते थे मालूम होता था साहब साहब जमा हो जाते थे जब जमा हो जाते थे तो यह पूरा इलाका बहरीन का इलाका बहरेन भेजा बहरीन भी शाम में था बहरेन भेजा जबल आमिल भेजा इस पूरे इलाके में जो तशय्यो है ना आज तक ये तशयो फैलाने वाले का नाम है अबू जरे गफारी या, और आज तक यहाँ के लोग फख्र करते हैं जबल आमिल के लोग कि हम किसी और के नहीं अबू जर के हाथ पे अली के शिया बने हैं और देख लीजिए कैसे शिया है, है ना बिल्कुल अब उधर जैसे आज चौदह सदियां गुजरने के बावजूद भी वही उनकी ललकार है सारी दुनिया के लिए जबल आमिल कितना सा हिस्सा भाई नक्शे में नजर भी नहीं आएगा जब तक आप उसको बड़ा ना करें जूम ना करें ना करे, निकले गए नहीं जबल आमिल और पूरी दुनिया साम्राज्य ताकतें सब उनसे डरती है क्यों वो फख्र से कहते हैं कि हम ऐसे नहीं शिया हुए हमें अब गफारी ने अली का शिया बनाया है सलाह भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर बहुत खूबसूरत इलाका है बहुत हसीन इलाका है कुछ लोग होके आए मैं भी होके आयान जाते हैं तो रास्ता बंद था ना शाम का तो वहां से होके जाना पड़ता था तो उसमें मौका मिल जाता था बालबग भी चले गए ज्यारतें भी कर ली सब कर ली अक्सर मैं अकेला नहीं बल्कि आप जानते हैं कि अक्सर जायरीन माशा होके आए मैं कोई कारनामा नहीं बयान कर रहा कि मैं वहां होकर आया हूँ मैं बता रहा हूं कि अब तो जाते हैं ना लोग देखते हैं कितना खूबसूरत इलाका है शाम का इसके बारे में एक बात और बता दें आपको चलिए बात आ गई बच्चों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा ये दमिश्क जो है ना दमिश्क शाम का पाए तख्त कैपिटल ये दमिश्क दुनिया का सबसे कदीम कैपिटल है चार हजार साल से ये वाद शहर है जो हर हुकूमत का जो भी महाकूमत कायम की चाहे इलाकाई चाहे मरकजी ये कैपिटल है दारुल खिलाफा चार हजार साल से शहर और भी होंगे पांच हजार साल वाले भी हमारा मुल्तान भी चार हजार से ज्यादा पुराना है नहीं पाए तख्त कैपिटल दारुल हुकूमत ये वाद शहर है दुनिया का जो चार हजार साल से कैपिटल है दारुल खिलाफ इसलिए उसको इंसानी विरसा करार देके पुराने दमिश्क को महफूज कर दिया अब नया शहर बाहर है ना देख लीजिए आप बीच में वो पुराना दमिश्क उसको पूरा महफूज कर दिया रेनोवेट करते रहते हैं लेकिन शहर का नक्शा वही पुराना जो उस वक्त था चौदह सौ साल पहले वही नक्शा आज भी मौजूद है, रहा है बना दो इसको दुबारा से। लेकिन है तो वही और बालबक में वो रोमन किला जहां से वो उस सरहदों की हिफाजत किया करते थे वो भी चार हजार साढ़े तीन चार हजार साल पुराना किला है जो बालबक पे रोमन क़िले के नाम से मशहूर है मौजूद है मैं वहां होकर भी आया तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि साथ साथ आपको थोड़ी सी मालूम भी होती चली जाए हम जब छोटे से थे ना तो हमें बहुत सारी मालूम वैसी मिल जाती थी जरूरी नहीं था कि स्कूल से मिले मिल जाती थी लेकिन आजकल अखबार का रिवाज खत्म हो गया सब खत्म हो गया कुछ है नहीं मोबाइल है और बच्चे हैं और दुनिया है खत्म मौजूदा दुनिया जो कुछ है वही है जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं ना जनरल नॉलेज हमारे बच्चों की नहीं है मान लीजिए आप मान लीजिए नहीं है मामूली सवाल करते हैं उनसे उनको नहीं मालूम होता क्या नहीं पता नहीं पता नहीं पता तो ये इसलिए थोड़ी-थोड़ी सी बच्चों के लिए मैं इजाफी एहतराम है लोग इसके पीछे चलते हैं शाम चला जाएगा अगर तू नहीं आ रखा तो फिर कहा गया कि इसको बेपालनों के ऊंट पे बेरहम आदमी के साथ भेजा जाए जो बेरहमी से बगैर रुके दौड़ाता हुआ ऊंटों को लाए तो तारीख कहती है कि जनाबर गफारी जब मदीने पहुंचे हैं तो आपकी रानों का गोश्त उधड़ चुका था गिर चुका था इतनी बेरहमी से लाया गया था खड़े नहीं हो सकते थे डंडे क्यासा के सारे खड़े होते थे लेकिन आने के बाद फिर वही अपना मिशन वही मिशन बदानियां शुरू हुई बकौल अबुल आला मौदूदी के किसके बकौल हां भाई रिकॉर्ड हो रही है ना बात बकौल हजरत अबूल आला मौदूदी के बदानियां शुरू हो गई अक्रवा परवरी शुरू हो गई रिश्तेदारों को नवाजा जाना शुरू कर दिया स्टैंड ले लिया जलाब अबूदर गफारी ने ये क्या हो रहा है माल गरीबों का माल मुसलमानों का माल खानदान वालों को बांटा जा रहा है रिश्तेदारों को बांटा जा रहा है इसको लाखों दे दो उसको पांच लाख दे दो उसको दस लाख दे दो सरमाएदारी निजाम आने लगा मलुकियत आने लगी बकौल अबुल आला मौजूदी के मैं नहीं कह रहा कौन कह रहा है हजरत अबुल आला सैयद अबुल आला मौजूदी वो फरमा रहे अपनी किताब खिलाफत तो मलूकियत में वो फरमा रहे हैं अब भी मिलती है बाजार में जाके खरीद लेना भाई मेरे गले ना पड़ जाना सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर है अबूदर स्टैंड करके फिर अब उधर ने स्टैंड लिया ये सब क्या है नहीं होने दूंगा हर जगह खड़े मस्जिद में खड़े आखिर जनाब इनको बुलाया और सख्त कलामी भी वो सख्त कलामी भी तारीख में मौजूद है लेकिन मैं क्या करूं कि मैं आपको वो सख्त कलामी भी नहीं बता सकता यहां से क्या सख्त कलामी किसने किसको क्या कहा ये कहने के बाद कहा के मेरी मम्मी से निकल जाओ अभी तो कहा जाओ? शाम चला जाऊं नहीं वहां नहीं हिजाज चला जाऊं मक्के चला जाऊं तुम चाहते हो मैं मक्के चला जाऊं वहां चल के नहीं ऐसी जगह जहां तुम्हारी कोई बात सुनने वाला ना हो ऐसी जगह जहां आबादियां ना हो तुम्हें बहुत दूर भेजूंगा रब्जा भेजूंगा रब्जा जाओ और रब्जा ये अपनी जौजा और अपने बेटे और कहीं बेटी के साथ ये छोटा सा खानदान पहुंच गए अब वहां की सख्ती झोपड़ी भी डाल ली रहना भी शुरू कर दिया ये जब जाने लगे थे तो एक ऑर्डर पास हुआ कि कोई इनको अलविदा करने कोई मदीने में हुक्म पास हो गया कोई नहीं जाएगा और मरवान एक मुहाफिज के तो अच्छा मरवान को अभी तक लानतुल्ला कह सकते हैं आप ये बता दूं मैं आपको इसके लिए कोई बिल पास नहीं हुआ ये जब आप बहुत लानत भेजेंगे फिर ये उसका नाम लाएंगे कि नहीं 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 भाई इसको भी शामिल करो है ना समझ गए ना तो अभी आप आजाद हैं मरवान को आप जो चाहे कह सकते हैं क्योंकि मरवान वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया था कि मदीने से बाहर और ये कभी दाखिल ना हो और इसको पहले ने भी दौर में भी दाखिला नहीं मिला दूसरे दौर में भी दाखिला क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था लिहाजा सब ने उसका पास किया अब ये क्या पास करने वाले मुझे नहीं मालूम उसको भी निकाल के लिए आएंगे कहीं ना कहीं से टिकड़म लगा के अबूजर के लिए नहीं कानून पास होगा के लिए नहीं उनको जो चाहो कह दो सलमान के लिए नहीं मिदाद के लिए नहीं हुजैफा के लिए नहीं हुजैमा बिन साबित के लिए नहीं अबू जान अंसारी के लिए नहीं साद इब्ने इबादा के लिए नहीं जो चाहो कहो लेकिन डर यह कि मरवान का नाम भी आ जाएगा बेवक खबरदार मरवान को कुछ ना कहना हमारा ये हमारा बड़ा बहुत बड़ा आदमी है हमारा अब हम क्या करें सारे तुम्हारे बड़े आदमी ऐसे तो भाई हम कहा जाए हम क्या करें सलवाद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर तो मरवान लानुल्ला और अबुल आला महदूदी ने भी इसी पर मलबा डाला है मौर्रखीन ने भी इसी पर मलबा डाला है हम भी इसी पर मलबा डाल ठीक है ना भाई बरमा करार दिया है दूसरों को और सारा मलबा किस पर डाल दिया है मरवान पे तो हमने भी मरवान पे डाला ठीक है भाई चलो मैं मरवान ने किया जो कुछ भी किया था लेकिन जैसे ही जैसी मौलाया को मालूम हुआ कि चबूदर को निकाला जा रहा है और हुक्म यह कि कोई ना जाए तो आपने जनाब अकील को साथ लिया जनाब अम्बार यासर को साथ लिया अपने दोनों साहबजादों हसन हुसैन को साथ लिया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास यानी अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के चारों बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उबैदुल्ला इब्ने अब्बास इबन अब्बास फजल इबन अब्बास चारों, चारों भाइयों को साथ लिया, अब्बास को अब गफ्सत करने के लिए जब मरवाज से तू तू मैं भी तो मौलान ने एक ताजियाना मारा था तो अपना ऊंट लेके वो भाग गया वहां से रोता हुआ जाके शिकायत करता मुझे अली ने मारा मुझे अली ने पिटते थे फिर शिकायतें भी करते थे अजीब है तारीख के किस्से भी अजीब है क्या बताएं आपको सलवाद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर सामने से वार करने की किसी में कभी हिम्मत हुई नहीं जब किया पीठ से वार किया जब किया पुष्ट से वार किया तो अब ने रुख्सत किया और अबू जर रो रहे, है। रहे हैं कह रहे है कि आप मेरी आंखों का नूर है मेरी ठंडक है मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि मैं आपसे दूर हो रहा हूं आपका हक पामाल किया, आपके हक को लूटा और हम लूटते हुए देखते रहे जैसे साथ देना चाहिए था मदीने के लोगों ने वैसा साथ नहीं दिया हालांकि अब उधर जानते कौन है कौने? कि ये मदीने में पहले मरहले में अपना सर घुटवा के हथियार सजा के अली के दरवाजे पे पहुंच गए थे ये इस बात की मतलब होती थी कि सर देने के लिए आया हूँ यह अलामत होता हूँ ज्यादा मैदान में जा रहा हूँ और मरने के लिए जा रहा हूं यह अलामत होती कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं ये उन चार आदमियों में से थे जो अपना सर घुटवा के हथियार सजा के अली के दरवाजे पर पहुंच गए थे लेकिन अली ने कहा था कि चालीस होंगे तो कयाम होगा निकले कितने चार सलवादी मोहम्मद आले मोहम्मद पर अब कोई नहीं कहता अब कोई नहीं कहता मदीने वालों को कि मदीने वालों ने साथ छोड़ा इन्हें भी तो कुछ गाओ वाले तो तुमने शिया बना दी वो तो, तो शिया थे तो मदीने वाले कौन थे जिन्होंने अली की बैद की और बाद में तोड़ दी ये कौन थे ये कौन थे वो पहली में सब बता चुके आपको खैर चलिए छोड़िए जाने दीजिए बात हो गई यहां तक अली ने रुखसत किया आंसुओं के साथ रुख्सत किया भेज दिया और इन्हें मालूम था जब बीवी बहुत परेशान हुई इनकी हालत खराब हो गई जनाब जनाबिरुद्धर अखबार का परेशान ना रो मत अल्लाह के रसूल ने मुझे खबर दी है कि पाक तरीन लोग मेरा जनाजा पढ़ेंगे पाक तरीन लोग वो इस पे हैरान थी कि मैं मेरे पास तो कफन भी नहीं है आपका इंतकाल होगा मैं आपको कफन कहाँ से दूंगी यही लिबास है जो आप पहने में, जो हम लोग पहने में, कहाँ से दूंगी सब कुछ होगा अल्लाह के रसूल ने मुझे खबर दी हम इतने लोग नाम लिए कुछ नाम के हम सब बैठे थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम में से एक रब्जा में बेकसी के आलम में मरेगा पाक तरीन लोग उसका जनाजा पढ़ेंगे तो मैंने इस बात को याद रखा था बाकी सब मर चुके आखिरी में बचाऊ सलवाद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर बाकी सब उनके नाम है तारीख में उनके नाम मौजूद है वो तारीख आपका वक्त बचाना मकसूद है तो बाकी सब मर चुके मैं बचाऊ अकेला तो वो मैं ही हूं वो ही हुआ इंतकाल हो गया सरहाने Osionfish. बीवी बैठी है और बेटा या बेटी कहीं बेटी है कहीं बेटा बहरहाल इख्लाफ है तारी तो कहते हैं कि बेटे का तो इंतकाल हो गया था बेटी थी जर नाम का जो बेटा था उसका इंतकाल हो गया था बेटी थी बैर जो भी है ये दो अफराद बैठे हुए बेचारगी के साथ अभी कहते हैं कि हालत बास कहते हैं कि हालत एहतजार है यानी दम निकला नहीं है निकलने वाला है रो रहे बैठे हुए माँ और बेटा इतने में एक काफिला नमूदार हो अच्छा ये अबारिज कह भी थे कि आएगा कौन हज का जमाना निकल चुका सब जा चुके हज करके कौन आएगा अल्लाह के रसूल का वादा, है? के रसूल का वादा है, होगा रज सलाजी मोहम्मद पर और एक और मशहूर नाम कौन सा है जनाबे मालिके? मालिक मालिक अभी ने मालूम है कि ये है। जोजा ने आगे बढ़कर काफिला रोका बताया कि साहब रसूल दम तोड़ रहा है रबजा में वो सब पहुंचे तोड़े अबू जर बैठ गया अबूजर ने आखिरी बात की और फिर वही नसीहत सबको एक ही वसीयत करते थे कि देखो उस पीर मजलूम का ख्याल रखना अली के दामन से वाबस्ता रहना क्योंकि आकिबत उसी में है आखिरत उसी में है अली का साथ ना छोड़ना किसी भी सूरत ऐसा ना हो अली अकेला रह जाए फिक्र किस बात की अपनी नहीं है ना अपने बच्चों के लिए कोई वसियत करना बीवी के लिए फिक्र किसकी है अपने मौला की मेरा मौला अकेला ना रह जाए मेरा मौला अकेला ना रह जाए ये थे असाब अली अब समझ में आया इनका जिक्र क्यों नहीं होता इसलिए जिक्र नहीं होता कि जब आखिर तक जिक्र करेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि अबू धर किसके मवालियों में था किसका मौला ही था अली अबूझर किसका ग़ुलाम था अबूजर मालूम हो जाएगा ना लिहाजा ये साहब रसूल यहां दम तोड़ता है और ये पाक तरीन लोगों की जमात जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये इन पर नमाज अदा करती है उनकी तस्फीन करती है और इनके बच्चों को बीवी बच्चों को लेकर वापस मदीने आते हैं क्योंकि इंतकाल हो चुका लिहाजा कोई इनसे सरोकार नहीं रखता बस यहीं से शुरू होता है दूसरा किरदार अम्बारे यासिर जब जनाब अमारे यासिर को यह मालूम हुआ तो आपने धायरे के वहां हंगामा किया खड़ा कर दिया हंगामा तो उसमें कहा गया कि तुम्हें भी बाहर भेज दिया जाएगा और भेज और क्या कर सकते तुम इसके सिवा इतना अजीम इंसान दुनिया से चला गया रसूल का साहब भी चला गया जिसके साथ चाहोगे ये करोगे और कहा दे दिया कि इनको भी बाहर करो हमारे यासिर को भी बाहर करो लेकिन जनाब मदीने में शोर मत गया हमारे यासिर का मकाम ऐसा था कि हुजूर की वो हदीस सबको याद थी वह हका अपन सुमैया सुमैया देखिए एक होता है वह लक एक होता है वह हका ये फर्क समझ लीजिए आप कहीं किताबों में पढ़ेंगे तो कहीं होगा वह हका कहीं होगा वह लका दोनों के माने हाय अफसोस लेकिन वह लका है मजम्मत में जैसे फवाह मुसलिन वाय हो इन लोगों पर ऐसे नमाज पढ़ने वालों पर वैल, वैल ये आता है जम के माने में। कि इनके अंजाम पे है, वाए हो, है ना वह हका आता है तारीफ के माने में कि खुशा बहाल शुमा इतने खुशनसीब हो तो यानी है तो मुसीबत दोनों में मुसीबत है लेकिन एक में मजम्मत के साथ है एक में तारीफ के साथ हक़ा में भी यही है कि मुसीबत का जिक्र हो रहा है लेकिन वह हका का मतलब यह कि अंजाम कार बहुत अच्छा है अंजाम कार आकबत बहुत अच्छी है कि क्या हाल होगा तुम्हारा सुमैया अतुल बाग्य एक बागी गरोह तुम्हें कत्ल कर देगा यह ऐसी हदीस थी जो आज तक भी जिसका इनकार कोई नहीं करता सबको मालूम है कि अल्लाह के रसुल ने फरमाया था इसलिए मयार बन गए थे अमारे यासिर किस बात का हक का मैार बन गए थे किसका मियार? आप हैरत करेंगे कि जनाबे हमारे यासिर के लिए भी हदीसें हैं क्या हदीस है अम्मा माल हक अमार हमेशा हक के साथ होगा अब माल हक अमार हमेशा हक के गर्द घूमता रहेगा देखिए फर्क क्या है वहां क्या है वहां यह है कि नहीं जहां जहां अली घूमेगा वहां वहां हक घूमेगा फर्क याद है समझिए ना अमार हक के साथ अम्मार जिस जिस तरफ हक, जा, हक जाएगा अमार हक के पीछे पीछे जाएगा यानी अमार को भी एक मैार बनाया कभी ऐसा तुम्हें तमीज ना हो कि इधर हक या उधर हक तो कम से कम अली को ना सही अमार को ही देख लेना कि अम्बार किसके साथ है अमार इबन यासिर किसके साथ है तो यह वो अम्बार यासिर वो शख्स जिनके लिए रसूल के हजीज़ महादीस क्या है अली जिस तरफ जाएगा हक उधर जाएगा यानी कि हक जिधर जाएगा अली भी उधर जाएगा नहीं यह है दूसरों जनाब अम्मार के लिए अली के लिए हदीस क्या है हक हक को माली। वाल वाल क्यारी वाल क्यारी अली अली उमल कुरान वालान मा अली अली जिधर जिधर जाएंगे हक भी उधर उधर हक अली के पीछे चलेगा और अम्मा हक के पीछे चलेगा अमार किसके पीछे चलेंगे हक के अब आइए पहले शहीद साहबे के राम साहब के राम साहबे के राम बताओ ना लोगों को हमारे यासिर वो है जिसके मां बाप इस्लाम के पहले शहीद हैं पहले शहीद पहले शहीद जनाब यासिर इनके वालिद और जनाब सुमैया इनकी वालदा और दर्दनाक अंदाज में मारे गए थे मक्के में क्यों क्योंकि इनकी कौम कबीला मक्के में नहीं था ये बाहर से आके आबाद हुए थे पे जुल्म तशद को रवा रखते थे और सरेआम तीनों पे मां बाप और बेटे अम्मार पे और एक मरतबा तो हजूर ने देखा जा रहे थे गुजर रहे थे और ये जनाबे हमारे यासिर को आग में फेंकने वाले थे आग में वो मंजर देखा नहीं गया अल्लाह के रसूल से वहां अल्लाह के रसुल ने हुक्म दिया आग को या नारो कूनी बर्तन व सलामन अला अम्म कमा बर्दन व सलामन जैसे तू तो कमा खाना बर्दन व सलामन अला इब्राहिम जिस तरह से तू तो इब्राहिम पर ठंडी हुई थी ऐसे ही अम्मार पर ठंडी हो जा। ये है जनाब अम्मार।, अम्मार तो आग ठंडी हो गई थी जनाब अम्मार पर जनाब अम्मार को आग में फेंक नहीं सके फेंकने वाले ऐसा जुल्म है और उसके बाद आखिर में क्या किया बेदर्दी के साथ यानी आप तो शवर नहीं कर सकते कि किस बदतरीन तरीके से जनाब सुमैया जो कि खातून है और जनाब यासिर उनके वालिद को शहीद किया गया था दोनों पहले शहीद इस्लाम के मक्के में कौन है जनाब अम्बार के वालिद और वाल पहली मस्जिद तामीर करने वाले जनाब अमार यासिर पहली मस्जिद कहां तामीर हुई थी याद है कुबा में खाने काबा तो अपनी जगह है ना मस्जिद उसकी तो बात ही नहीं हो रही वो तो इब्राहिम जनाब इब्राहिम इसम ने तामीर किया उसे पहली एक सलवा बुलंद आवाज से सलवा भेजिएगा जब आप कुबा के मुकाम पे आके ठहरे कई बार बता चुका कि क्यों ठहरे थे इंतजार किसका कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान सब मुलहक होते जा रहे थे इधर से उधर से आके सब जमा हो रहे थे जनाब अमारे यासिर ने जब ये देखा कि अब यहाँ ठहरना है तीन चार दिन तो ये मस्जिद आपने खुद बड़े बड़े पत्थर लाते थे किसी की समझ में नहीं आता था कि कर क्या रहे बड़े बड़े पत्थर लाके और ये जगह बना दी थी हजूर की नमाज के लिए इसलिए ये पहली मस्जिद है जो हमारे यासिर ने अपने हाथ से तामीर की ऊपर दरख्त की खजूर की टहनियां बड़ी बड़ी डाल दी उसकी छत बना दी छप्पर बना दिया ये पहली मस्जिद थी इस्लाम की तारीख में जो जनाब हमारे यासिर ने तामीर की थी मौलवी साहब बता दिया करो लोगों को लेकिन हमारे यासिर का जिक्र कैसे कर दे जबान जल जाएगी उनकी सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर जनाब हमारे यासिर और सबसे ज्यादा लोग एक पत्थर उठाते थे, थे दो पत्थर उठा के ले आ रहे हैं मजिद नबी की तामीर में मारे यासिर अमारे यासिर अम्बारे यासिर लोग हैरान होते थे कि अल्लाह के रसूल को इतनी मोहब्बत अमारे यासिर से क्यों जनाब हमारे यासिर को मैार बताते थे तो ये बागी ग्रोह मारेगा ये इतनी आम थी कि जब जनाब अमार के सिफिन में शहादत हुई है तो हलचल मच गई थी उधर लश्कर में ये क्या हुआ क्योंकि एक दूसरे को बताया भाई ये तो वही हुआ अम्मा के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक बागी ग्ररोह उसे कत्ल करेगा तो आप देखिए कैसा मोड़ा गया उसको उसको यूं मोड़ा गया नहीं इनका कातिल है जो अपने साथ लाया मैदान जंग में उनकी वजह से कत्ल हुआ ये मौला ने जवाब दिया था फिर जनाबे हमजा का कातिल का कौन हुआ बचला, बचला। जनाबे हमने अब्दुल मुतरीफ का, का कौन आया था मैदान में ये मैार होता है बस लेकिन बस जो पढ़ा दी पट्टी पढ़ा दी वो याद होता है जो कह दिया मौली ने बस ठीक है पब्लिक निकल गई बात हाँ भाई ये सही है तावील बता दी ठीक शूर नहीं है ना जहां जिहाद इसलिए लोगों को जाहिल रखो जब तक जाहिल रहेंगे उनके कंट्रोल में रहेंगे जब चाहेंगे इनसे आगे लगवाएंगे जब चाहेंगे इनसे बंदे मरवाएंगे इंसान मरवाएंगे जब चाहेंगे इनसे इबादत खाने जलवाएंगे जो भी करवाते रहोगे जाहिल है पता तो है नहीं उसे कुछ वो जो कह रहा है ये जो कह रहा है ये सही है जो आखिरी बात है ये जो कह रहा है यही बात बिल्कुल सही है और ये भी अरकान अरबा में ये भी उनमें थे जो अपना सर घुटवा के तलवार लेके आ गए थे खुद मौला की खिदमत में पहुंच गए थे अपने हथियार सजा के मैं आपके साथ हूं मरने तक आपके साथ हूं तो बस चार ही आदमी जमा हुए थे भाई इसीलिए उनको हरकान अरबा कहा जाता है और थे ही नहीं वो चार आदमी जमा हुए थे खैर जनाब तो ये हमारे या भी इसी तरह सारी जिंदगी जब तक रहे इनको भी सजाएं भी हो रही हैं इन पर हमले भी हो रहे इनको बाहर भी निकाला जा रहा है और मनसब देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप ये देखें ना कि इनमें से किसी को कोई मनसब कभी दिया गया कोई मनसब नहीं देगा अब मारे यासिर को एक मरतबा एक दौर में कजावत का मनसब दे दिया गया कूफे में और थोड़ी दिन बाद वापस ले लिया गया तो जरा से पूछा लोगों ने कि भैया मनसब जाने का दुख नहीं हुआ आपको कहते मुझे मिलने की कोई खुशी नहीं हुई तो जाने का दुख कहां से होता मुझे मिलने की कोई खुशी नहीं हुई थी तो समझ गए थे मनसब देने वाले दिया इसलिए गया था कि भाई हमारी मर्जी के फैसले भाई ऐसे तो नहीं मनाया जाता ना काजी काजी बनाने से पहले कुछ करारदाद तय होती है ना कि भाई देखो हमारी मर्जी के फैसले करने होंगे बाकी तुम कुछ भी करना कुछ भी करने से मुरादी कैसे भी कमाना अरबों कमाना काजियों की बात कर रहा हूं मैं जजों की बात नहीं कर रहा सलवाद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर काजी बनने के बाद जैसी मर्जी कमाना लेकिन ये कुछ फैसले हमारी मर्जी के कर देना कुछ फतवे हमारी मर्जी के भी दे देना अच्छे फतवे दोगे अच्छे तो फैसले दोगे हमारी मर्जी के तो फिर अब तुम्हें काजुल भी बना देंगे कजात तो समझते ना सबसे बड़ा काजी बना देंगे सबसे बड़ा तारीफ भरी हुई है ऐसे काजियों से जिनको बादशाहों के चहीते होते थे बादशाह अपने साथ रखते थे मेरा काजी है उसके भी मजे आते थे घर बंगला कोठियाँ पिकनिक बादशाह का मुसाहिब बादशाह के साथ दजला पे साहिल पे पिकनिक मना रहे इब्ने हाजिब कभी मौका मिला तो बता देंगे तो ऐसे काजी चाहिए होता है ना हुक्मरानों को कि जो उनकी मर्जी के फतवे दे उनकी मर्जी के फे काजी फिर कह रहा हूँ काजी भाई कोई मेरी बात ना पकड़ ले कहीं जजों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सलावत भेजिए मोहम्मद आलि मोहम्मद पर तो हमारे यहाँ से ज़ाहिर के उन्हें तो किसकी सुनते हैं अली का शागिर्द अली का चाहने और फिर हुजूर के आंखों का तारा हुजूर की आदि उनके बारे में लिहाजा उनका थोड़ी दिन में उनसे वापस ले लिया होता उन्होंने ले जाओ भाई अपना मन से वापस ले लो क्यों वो समझ गए हमारे काम का आदमी नहीं है ये हमारी मर्जी पर चलने वाला नहीं है हमारे यहाँ से यह अपनी मर्जी करेगा अपनी मर्जी क्या करेगा जो हक है वो करेगा जो हक है वो करेगा सिर्फ में शहादत होती जैसे जनाब वैसे करनी की शहादत हुई कुछ शहादत ऐसी में के लोग हैरान थे कितना वाज होने के बावजूद अभी भी तो मैं शक है कि हक किधर है और बातिल किधर है अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि हक कहां है और बातिल कहा है और ये सारा हक और बातिल ये दो जंगों में क्यों है कि यहां किसी को कुछ ना कहा जाए उसके अलावा आप जो मर्जी चाहें लिखते हैं जिसके लिए चाहे लिखते हैं साहबा के बारे में लिखते हैं और क्या क्या कुछ लिखते हैं मैं, मैं जानता हूं यहां से बयान कर दूंगा कभी क्या कुछ आप नहीं लिखते साहबा के बारे में आप साहब को साजिश ही लिखते हैं वो मौलाना एहसन गिलानी की जो किताब है जनाब अबूदर गफारी के बारे में पढ़िए ना हमारी थोड़ी ना हमारे मौलाना है नफीस अकेडमी कराची की छपी हुई है कहाँ की छपी हुई है नफीस अकेडमी कराची नाम भी बता दिया मैंने आपको जाइए किसी मजहबी किताब खाने से मांग लीजिएगा कि नफीस अकेडमी की छपी हुई किताब मौलाना मनाजिर एहसन गीलानी की अबूदर गफ्फारी में दे दो होगी तो दे देगा वरना कहेगा आउट ऑफ पेरेंट हो गई जाओ किसी किताब खाने में आपको मिल जाएगी अब उधर वो सब कुछ लिख रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा खिलाफ लिख रहे हैं भाई वो लेकिन क्यों ये लिखते रहो इधर नहीं आना इस तरफ जमल शिफीन में सब हक है जमल शिफीन में इधर हक हाँ, उधर हक हाँ, उधर हक हाँ, सब हक 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 सलवा मोहम्मद आले मोहम्मद पर तीसरी शख्सियत तीसरी शख्सियत नहीं बल्कि छह शख्सियतें एक साथ है छह शख्सियतें एक साथ है आज हम इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि वक्त के अंदर कुछ अफराद का नाम बने सबके सब अब अली में पहला नाम अदी इबन हातम किसके बेटे हातम ताई के हातम, हातम ताई के बेटे अदिबन हातम अदिबन हातम के पांच बेटे अली की हमरकाबी में शहीद हुए पहला बेटा मोहम्मद इब्न हातम मोहम्मद इब्न आदि इब्न हातम ये जमल में शहीद फिर बिल्कुल आखिर में जाके तीन बेटे तारीफ तुरफा तुरैफ तारीफ तुरफा तुरैफ सिफीन में दो सिफीन में एक नेहरवान में शहीद हुआ पांच बेटे अली की हमरकाबी में शहीद और खुद की दोनों आंखें सिफीन और जमल में जाया हो चुकी तीर लगने से खुद नाबीना ना हो गए पांचों बेटे खत्म अदीब ने हाथ और जब जमाने की गर्दिश ने इनको शाम पहुंचाया तो उसने तंज या तौर पे पूछा ऐना तराइफ तराइफ जमा तुरफा की जमा एना तर... कहा है तेरे तराइफ तंज क्या जानता था ना कि सिफिन में सब मार दिए गए तुरफा तारीफ और तुरेफ तरफात भी गए ना तरफात, गाये तेरे तरफात तो बड़े सुकून से जवाब देते अदीब ने आतम के वो सब अली के हमरकाबी में शहीद हो गए अली के साथ थे अली के लश्कर में थे सब शहीद हो गए दूसरा बार किया अली ने इंसाफ नहीं किया तेरे साथ अदी अदीब ने हातम नाम याद रखियेगा अरे अली ने इंसाफ नहीं किया तेरे साथ ये चौंके क्या हिसाब नहीं किया क्या उसके बेटे तो बच गए तेरे बेटे कत्ल हो गए अपने बेटों को पीछे रखा तेरे बेटों को आगे कर दिया रोने लगे अदीब ने आता। कहते इंसाफ मैंने अली के साथ ही नहीं किया रो रहे इंसाफ मैंने अली के साथ ही नहीं किया देख अली दुनिया से चला गया मैं दुनिया में हूं समझ में आ रही असहावे कैसे थे ये किस तरह कहते पांच बेटे पांच बेटे शहीद कराने के बाद यह आलम है बुढ़ापे में अली से मोहब्बत का अदीब ने हाथ की ये मोहब्बत कालम पांच बेटे उनमें तरमा इब्ने अदी जो पांचवा बेटा है वो तो खतीब था जिसको मुजाकिरात के लिए भेजते थे उनका बहुत जबरदस्त मुनाजरा तारीख में मौजूद है उन्हें सलाम नहीं किया था कि किसी अमीर को नहीं जानता मेरा अमीर अली है बस उसको उसको मैं जानता हूँ और किसी अमीर को मैं नहीं जानता वो बड़े खतीब थे उनका मुनाजरा पढ़ने के यहाँ चीज़ नहीं है लेकिन है पढ़िएगा कभी अगर कहीं मिल जाए अदीब ने हातिम की तफसीत तो उनके औलाद की जो तफसीत आएंगी वहाँ आइए अदीब ने हातिम का किस्सा क्या है तारुफ करा दिया मैंने हाथम ताई का बेटा बनी तय इनके कबीले का नाम क्या है बनी तय तोय से बनी तय बाद ताई भी कहलाए हातम ताई की मुनासिबत से तो बनी तय कबीला था और ये मसीही थे मजहब इनका क्या था मसीहियत पर थे ईसाई थे ये सारे <laughs> इन्हें ने सुना कि इस्लाम आ गया और तेजी से आगे बढ़ रहा ये डर भी गए मालदार बहुत थे क्योंकि अपनी कौम के बुजुर्ग थे जब बुजुर्ग थे तो इनका कायदा था कि जिसका जो भी माल था साल का उसका चौथा हिस्सा इनके पास समझ गए आप अब चौथा हिस्सा पूरी कौम का आएगा तो खुद कितना अमीर होगा बैठे बैठे खाओ नस्लें भी खाएंगी माशाल्लाह नस्लें खाएंगी तो क्या कुछ नस्लें खाएंगी बाद में नस्लें झगड़ेंगी गद्दी के ऊपर एक दूसरे की गुद्दी पकड़ेंगे गद्दी के ऊपर एक दूसरे की गुद्दी पकड़ेंगे वो कहेगा मेरी गद्दी वो कहेगा मेरी गद्दी तो ये गुद्दी नशीन कहता हूं मैं इनको ये गुद्दियों पे लोगों की बैठे होते हैं बुरा लगे तो बुरा लगे कोई बात नहीं मैं भी आजाद हूं की आजादी है आपकी यहाँ सलावाद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।, <गणतवारी> पर नहीं देखिए मैं जानता हूँ रोजाना खुशक बयान है आवाज सलावा आप बुलंद आवाज से भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर नहीं आइए अब जब इन्हें नहीं हुआ तो डर गए ये मेरा माल दौलत इससे तो डरता है ना आदमी पहले माल लेके भागते हैं ना क्या करते हैं पहले माल माल उस जमाने की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं आज की नहीं उस जमाने की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं कि माल निकालो ओम गई ऐसी तैसी में कौम का क्या करना अपना माल बनाया वो निकालो पहले किस और नए नए तरीके ऐजाद करो किस किस तरीके से माल निकालना निकाल अब उन्हें सब माल वाल जमा किया गुलामों को कह दिया कि भाई जब हमला हमला हो तो बता देना मैं अपने बच्चों को लेके तो निकल जाऊं यानी कौम मरे कौम पिटे कौम असीर हो खुद निकल जाओ ये अदीब ने हातिम की बता रहा हूं इब्तिदा ये अदीब अदीबन हातिम ऐसे ही हुआ गुलामों ने खबर दी भाई अब लश्कर इधर आ रहा है मुसलमानों का दो तीन महीने बाद मालूम इन्हें ए जनाब आओ देखा ना था ऊंटों में सामान लादा बच्चों को लेके निकल गए इनकी हमशीरा वहीं बेचारी हालात ऐसे हुए कि मुसलमानों ने मारा नहीं लूटा भी नहीं सबको अपनी निगरानी में लेकर मदीने ले आए मस्जिद नबी के बाहर एक अहाता था उसमें इनको रख दिया गया सबको उसमें गालिबा सफाना नाम है इनकी बहन का नाम है सीन फे अलिफ नून वफाना सफाना इनकी बहन का नाम है सफाना बिनते हाथम तो उसने अल्लाह के रसूल को जाते हुए देखा तो आवाज दी कि अल्लाह के, के रसूल आप करीम हैं आप मेहरबान हैं मैं एक शरीफ खानदान की फर्द हूं और मेरा भाई मुझे छोड़कर भाग गया मेरा कोई वारिस नहीं है वहां मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे घर पहुंचवा दें अल्लाह के रसूल ने पलट के पूछा किसकी बेटी हो कहा मैं हाथम ताई की बेटी अच्छा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा चले गए दूसरे दिन भी ऐसा हुआ तीसरे दिन ये खामोश थी कि भाई कोई जवाब तो आ नहीं रहा तो मैं बोलूं क्यों बड़ी बोली तो खुद कहती है वो बताती है कि पीछे एक शख्स था उसने मुझसे कहा आज क्यों नहीं बोला सवाल करो आज आज तुम्हारा सवाल पूरा होगा आज तुम्हारा सवाल मैं हैरान हो गई ये जवान मुझसे क्या कह रहा है उस जवान ने मुझसे कहा आज तुम सवाल करो तुम्हारा सवाल पूरा होगा फिर सवाल किया हजूरों के कहा कि देखो मैं इंतजार कर रहा था तुम कैदी नहीं हो तुम कैदी नहीं हो लेकिन मैं महफूज हाथों का इंतजार कर रहा था कि महफूज लोग मिल जाए तुम्हारी कौम के जिनके साथ मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ भेज दू और अब वो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे कबीले के लोगों को मैंने बुला लिया तो फौरन वो पूछती है किसी और साबित के ये जवान कौन है जिसने मुझसे ये कहा है जवान हुजूर का भाई है अली इबन अभी तालिबाद मोहम्मद यानी अली जानते थे ना कि आज इसका मसला हल होगा आज इसका मसला हल होगा हुजूर इसको छोड़ेंगे क्या उसके बाद जनाब बड़े इज्जत और अहतनामाम के साथ भेजा वो भाग गया था शाम क्योंकि शाम मरकज था ना वसीयत का वो अपने लोगों में चला गया इसकी बहन ने भी सफर किया वो दूर से कह दिया था कि मुझे शाम पहुंचवा दे मेरे खानदान को, को शाम तक छोड़ के आओ शाम गई पहले मैं भाई को खूब लानत मलामत की मजम्मत की गम वक्त अपने बच्चों को लेकर भाग गया हमें छोड़ गया ऐसा भी होता है ना दूसरे के बच्चों को बंद करा देते हैं अपने बच्चों को लेकर भाग जाते हैं ऐसा भी होता है सलवाद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर बहर कहां, कहां तक मैं दामन बचाऊ जुमले आते हैं जबान पे इतने रोकता हूं इतने रोकता हूं फिर भी दो चार निकल ही जाते हैं सलवा भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर क्योंकि आप क्योंकि इनका मसला ये होता है कि अगर आप इनसे ज्यादा बात करेंगे बच्चे लाए बच्चे लाओ बच्चे कहेंगे हम पाकिस्तानी है ही नहीं अब क्या कर लेंगे आप जाइए ठेंगा क्या कर लेंगे आप बच्चे कह रहे हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं तो बदब्तों हमें लूट क्यों रहे थे पाकिस्तानी बन के जब तुम्हारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है वफादारी नहीं है तुम्हारी कोई पाकिस्तान के साथ लेकिन ये बातें समझ में नहीं आएंगी ये बातें समझ में नहीं आएंगी इस कौम के ये यही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते करते पूरी हो जाएगी सलवाद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर चलिए मैंने कहा ना बड़ी कोशिश करता हूँ अपनी जबान को काबू रखूं लेकिन नहीं काबू आती मैं क्या करूं निकल जाते हैं निकल गए तो निकल गए गए तो गए तो हवा में गए चले गए तो चले गए क्या आ गए रिकार्ड के ऊपर जो भी होगा देखा जाएगा अल्लाह मालिक है अच्छा जनाब हुआ ये कि कौन के? वो भाई की लानत तो माला मत वो शर्मिंदा हो गया और कहा कि जाओ।, जाओ जाओ वो वो आदमी जिसने तेरी नामों को एहतराम से भेजा है मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तारुफ कराती अली का भी और रसूल का कि जाओ इस्लाम कबूल कर इसी में यही दीन है यही बराक है और देख तू दुनियावी नजर से देखना चाहते तो उस नजर से भी देख ले कि मुस्तकबिल इस्लाम का ही इस इलाके में बड़ी आकिला थी ना बादशाह औरत अगर बादशाह भी बन रहा है इस बहाने तो फिर भी तू बचा रहेगा चला जा ये इसने सफर किया मदी आया मस्जिद में हजूर की खिदमत पे हाजिर हुआ देखा हजूर में सलाम किया बैठ गया कहा के हो हुजूर मुस्कुरा रहे एक होती ना मुस्कुराट के सवाल होता है जिसका जवाब इंसान को मालूम हो पूछा क्या नाम है अधिक किसके बेटे हो हातम ताई का बेटा अपने पास बुला के बिठाया ये थी इज्जत के ताई ईसाई मौत पे मरा है ना मसीहत पे मरा है पास बिठाया बड़े आदमी का बेटा है सखी था ना हातम ताई आज तक है ना हातम ताई उस जमाने में मसल था उसका नाम इतना सखी था इतना सखीता हाथ मत एफ से अपने साथ घर ले गए कहने जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक बुढ़िया ऐसे बहुत ज्यादा बातें करती है इस टाइप के लिखा था वो बोलना शुरू हो गया अपने काम बता रही और मैं ये देख रहा कि अल्लाह का रसूल उस जयीफ औरत की मेरी नजर में बेकार बातों को भी इतनी तवज्जो से सुन रहा था कि मैं हैरान हो गया कहीं बहुत देर तक वो अपनी बातें करती रही और दूर उतने ही इतमान से सुनते रहे सुनते रहे आखिर फिर मैंने दिल में सोचा कि नहीं ये कोई आम शख्स नहीं है ये आम सरदार होता या बादशाह होता तो ऐसे नहीं करता कि एक जईफ से रास्ते में रोक ले और आधा एक घंटा उसको दे दे के जो बातें करनी कर लो घर पर लेकर आए उससे पूछा कि तुम एक फिर इसके फिर का नाम लिया शायद रास्की या राके का नाम था तुम उस फिर से हो बस हाँ क्या मुझे अपने फिर के बारे में सारी तालीमत अल्लाह के रसूल ने बता दी कि तुम्हारी है ये है तुम्हारी है ये यहां यह है तुम्हारी, यह है, तुम्हारी यह है। उसके बाद फिर मुझे इस्लाम की तरफ दावत दी और फिर बताया इस्लाम के बारे में दावत दी मैं पहले ही तय करके आया था मैं समझ गया कि ये बादशाह नहीं है ये रसूल है ना पहचानने वाले फतेह मक्का के वक्त भी ना पहचाने रसूल को बादशाह ही कहते रहे कहता है कि मैं पहचान गया कि ये बादशाह नहीं है बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है और वो दिन उस दिन के बाद से अहलैत के दामन से कैसा वाबस्ता हुआ दीब ने हाथ कि अपने सारे बेटे अली की मोहब्बत में इसने कुर्बान कर दी अली की मोहब्बत में कुर्बान दी ठीक है आखिर में बहुत जही इनकी उम्र के बारे में आपको बता दें एक सौ बीस साल के होकर मरे मैं आपको कम वाली रिवायत बता रहा हूं एक सौ सत्तर वाली भी है एक सौ सत्तर वाली भी है लेकिन मैंने इक्तफा किया एक सौ एक सौ बीस बरस इनका सिंध 120 साल तक जिंदा रहे ना भी ना थे जयफ हो गए चला नहीं था। लेकिन अल्लाह ने इनके दिल को नूर दिया था बैत की मोहब्बत का जो बैत के दर से वाबस्ता हो जाता था एक बार वो जो आपका हाल है मेरा हाल है मैं अपने तो खैर क्या कह सकता हूं बड़ गुनाहार सा बनता हूं जो हमेशा कहता हूं कि जाओ पुराने जमाने के शियो को छोड़ दो किसने क्या किया क्या नहीं किया आज के कि शीयों को देख के बताओ इनमें से किसी ने हुसैन का साथ छोड़ा है किसी ने साथ छोड़ा नहीं शिया यानी असली शिया खालिश शिया हुसैन का साथ छोड़ दे हो सकता है नहीं छोड़ मर जाएगा कट जाएगा जल जाएगा लुट जाएगा गिला करेगा शिकवा करेगा अरे परवरदिगार मुझे बचा ले मौला मुझे बचा ले मैं कहा लेकिन हुसैन को छोड़ दे अली को छोड़ दे आप तस्वर कर सकते हैं हुसैन और अली के बगैर जिंदगी का भाई फिर जिंदगी ना मिले तो अच्छा है ना जिंदगी नहीं होती भाई तस्वर नहीं अली और हुसैन के बगैर हमारी जिंदगी का तस्वर नहीं है हम मैं तो बातों बाद सोचता हूं ये मोहब्बत अहले बैत ना होती तो हम होते क्या हमें हम और जानवरों में फर्क क्या था हमें हम और हैवानों में फर्क क्या रह जाता ये अहले बैत की मोहब्बत है जिसने हमें इंसानियत पर बाकी रखा है, इतने जुल्म सहने के बाद भी हमने कभी जुल्म की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जुल्म की तरफ हाथ नहीं और हुर एक जगह नहीं निकलते इसीलिए हुर निकलते रहे। करेक्टर, रहे, रहे करेक्टर देखते रहे आते रहे करेक्टर देखते रहे आते रहे करेक्टर देखते रहे आते रहे शाम का बाजार मंजरकशी करता रहता हूं एक ईसाई मसीह राहिब का जिक्र है अच्छा एक बात और बता दें आपको हमें अंदाजा नहीं था कराची में अंदाज़ा हुआ हमारे किसी मसीही भाई का मैसेज आया नाम क्या है खैर कि आप वो मसाइब किस दिन पढ़ेंगे जो राहिब के पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता था ये मसीही हैं यानी का क्यों भाई खैरियत है कह नहीं मैं क्रिश्चनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम आपके वो मसाहब सुनने आते अंदाजा लगाया आप गैर मुस्लिमों की अकीदत का मुझे अंदाजा नहीं था कि कहां तक आवाज जाती है देखा आपने कहां तक आवाज गई वो ये सुनने के लिए आते थे कि हमारा कोई राहिब था जिसने हुसैन पर जान कुर्बान की खुश फाखर महसूस कर रहे उसी राहिब का किस्सा सुना रहा हूं आप शाम आज भी तो मुकदस मकाम है ना तीनों आबादियां बार बार बताता हूँ आपको तीनों आबादियां शाम उनके मुकदस मकामा हैं मसीहियों के लिए आया हैरान हो गया मसला क्या है जर लिबास सजावट बनावट सारा शहर बाहर निकला हुआ जश्न हो रहा है शादिया ने बज रहे नकारा भी साथे पूछा क्या मसला है तो जवाब दिया गया हमारे अमीर ने एक बागियों के ग्रोह पे फतेह पाई है आज उन बागियों के सर लाए जा रहे हैं उनके हरम को कैदी बनाकर लाया जा रहा है, ये तो उसका जश्न है खड़ा हो गया मैं भी देखू एक तरफ से शोर बुलंद हुआ जब उस तरफ निगाह की तो देखा कुछ नेज़े उनके ऊपर सर हैं नेज़े आगे आ गया रहे नेज़ों के पीछे नाके हैं नाकों पे बीबिया है ख़वातीन है खातीन के हाथ बंधे हैं उन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया बेटे से कहता है कोई बहुत ही मोजि खानदान को जाड़ा है देख इनकी खातन ने कैसे अपने चेहरों का पर्दा अपने बालों से किया सर करीब आए गौर से देखने लगा कहता है बेटा ये बागियों के सर तो नहीं लगते ना मालूम कब ये तन से जुदा किए गए होंगे लेकिन देख अब तक ये तरोताजा है अब तक तरोताजा है बेटा भी साथ खड़ा देख रहा है जब और बिल्कुल नजदीक आ गए सर तो डायरेक्ट तेजी से तो नहीं आ रहे थे हुजूम इतना हुजूम इतना रुकना पड़ रहा है ड रहे हैं पीछे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं हुजूम इतना दविश के बाजार में कलर्स कर चुका तो एक सर पे उसकी निगाह ठहर गई उसे महसूस हुआ जैसे इस सर के लब हिल रहे हैं, लब हिल। बेटे का शाना पकड़ के हिलाता है मेरी लाल देख जो मैं देख रहा हूं तू भी देख रहा है क बाबा क्या देख रहे हो कह देख इस सर को देख मुझे लग रहा है इसके लब हिल रहे हैं ये कुछ कह रहा है देख क्योंकि होता है ना कभी वहम होता है तो इसलिए बेटे से कह रहा तू देख बेटे ने उस सर को देखा और कहता है बाबा इस बड़े सर को छोड़ वो नन्ने से सर को तो देख बाबा मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही क्या इतने से बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं जंग में इसने जंग की होगी ये छह सात महीने के बच्चे ने ना मालूम किसको मारा है पास खड़े एक शामी से पूछा उस राहिब ने जो हम देख रहे हैं तू भी देख रहा है सर झुका के कहते हैं हां मैं भी देख रहा हूं कब बता ये क्या कह रहा है बता कहता है ये कुरान की आयत की तिलावत करना तो, जो सर तन से जुदा होने के बाद लोग के नैजा पे आयत इलाही की तिलावत करे वो किसी बागी का होता है कौन नहीं है कहा का रहने वाला वो शामी कहता है मदीने का वही मदीना तुम्हारे रसूल का शहर कहा वही मदीना नाम बताओ कहा हुसैन इबन अली नाम सुन के चौंका और तारुफ कराओ कौन हुसैन इबन अली किस अली का बेटा तो उसी अली का बेटा जो हमारे रसूल का भाई भी है और दामाद भी है हुसैन हमारे रसूल की बेटी फातिमा का बेटा है बस इतना सुनना था कहता है तुमने क्या किया मैं दाऊद नबी की नामालूम कौन सी नस्ल में हूं मुझे भी नहीं याद लेकिन आज भी जब मैं अपनी कौम के दरमियान से गुजरता हूं ना लोग मेरे हैवान के पैरों की खाक उठा के सर पे रखते तुमने अपने रसूल की बेटी का घर उजाड़ दिया और अब जश्न मनाते हो चीखना जो शुरू किया शामी सिपाही आगे बढ़े खबरदार खामोश कत्ल कर दिया जाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा अब ये भी आखिरी हद तक पहुंच चुका था इसने शमशीर बेनियाम की अब मुझे कुछ परवाह नहीं जो भी हो जाए मैं तो वैसे ही बड़ा हैरान था कि कुछ रातों से मुसलमानों का रसूल मेरे ख्वाब में क्यों आता मैं मुसलमान नहीं हूं मैं इसे रसूल नहीं मानता ये मेरे ख्वाब में आकर मुझे जन्नत की बशारत क्यों देता अब मेरी समझ में आया कि मामला क्या लड़ता लड़ता आगे बढ़ा नाकों के पास आया देखा एक बीमार और लाकर जवान को जंजीरों से जकड़ा हुआ पास आके सवाल करता है साहबजादे अपना तारुफ कराइए सर से आपका क्या रिश्ता सज्जाद ने बड़ी हसरत से इसे देखा और देख कर कहा मैं इस हुसैन का बेटा हूं अली इब्ने हुसैन मैं हुसैन का बेटा हूं कहा जल्दी से मुझे कलमा पढ़वाई कलमा पढ़वाई कलमा पढ़ा मुसलमान अल्लाह लड़ता जा रहा है लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हुआ गिर पड़ा घिसटता घिसटता सीधे सज्जा के कदमों में आया कदमों पर सर रख के कहता है मौला एक बार कलमा और पढ़ाई फर्जंद रसूल एक बार कलमा और पढ़ाई गवा रहिएगा आपके दीन पर आपकी मोहब्बत में जान दे कलमा पढ़ा रुखसत हुआ दुनिया से सानिया जहरा से पुष्ट नाका से यह मंजर न देखा गया तड़प कर रुख किया की तरफ कि नाना देख लिया देख लिया